Be careful of the leeches when it rains. Or maybe, when it rains, they're in the water. I read something on a blog, so I don't know whose blog, but so otherwise we wouldn't have, we could have been sucking for ages. से मैंने चेंज किया बस वाली दामा के लिए, फिर वहाँ से बंदरवेला, अब एक और बस, ये लास्ट है, अब जाऊँगा सीधे एला अपने हॉस्टल में। तो पहुंच गए एला, और एला से थोड़ा आगे ही एक वाटरफॉल है, इस वाटरफॉल का नाम है रावण वाटरफॉल। तो अगर आप लोग मेरी इंडोनेशिया की सीरीज़ देख रहे हैं तो उसमें भी एक वाटरफॉल आएगा, उसका नाम है टुकट सिपंग वाटरफॉल, और ये जो वाटरफॉल है ये है रावण वाटरफॉल। तो जो रावण था, 10 सिर वाला रावण, उसी के नाम पर ही है ये वाटरफॉल। तो मैं ऊपर तो नहीं जा रहा, मैं नीचे नीचे देख लेता हूँ, और यहाँ कुछ खाने पीने का है वहाँ देख लेता हूँ क्या खाता हूँ। और ये श्रीलंका का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, वाइडेस्ट है सबसे ज़्यादा। बस के अंदर, और ये है बस के अंदर का नज़ारा। अभी आ गए हैं एकदम मेन जो एरिया होता है ना एला का, वहाँ पर। तो यहाँ खूब सारी शॉप्स, बार, कैफे, बहुत कुछ है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा है। एक छोटा सा एरिया ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है। मतलब जैसे गोवा या बाली में थोड़ा सा कुछ एरिया होता है ना, वैसा कुछ लग रहा है। अभी मेरा हॉस्टल यहाँ से 1.2 किलोमीटर है, तो मैं फटाफट हॉस्टल जाता हूँ। एक किलोमीटर और है, अभी 1 किलोमीटर चलना है। शाम के 4:30 बज गए हैं, मतलब एक्चुअली तो दोपहर ही है, लेकिन शाम जैसा लग रहा है, और हर तरफ कोहरा ही कोहरा। ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है मुझे ये लाइन, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, और मैं एला की ऊंचाई पे। खैर जो भी है, अभी 4:30 बज गए हैं, और 10-15 मिनट ही रेस्ट किया, उसके बाद सोचा कि निकल जाता हूँ। तब तक देखा कि बाहर पूरा कोहरा हो गया है, वो कोहरा दिखाना होगा आप लोग को। ये पूरा कोहरा हो गया है। खैर मैं अभी जा रहा हूँ 9 आर्च ब्रिज पे, मुझे तो नहीं लग रहा कि अब वहाँ कुछ व्यू मिलेगा, और ठंड भी बढ़ रही है धीरे धीरे। वेयर इज 9 आर्च ब्रिज? ओके, स्तुति मतलब सिंघला में, थैंक यू। बारिश ना हो जाए, अगर बारिश हुई तो हालत खराब होगी।
How far is Nainashpush? Maybe like 15 minutes that way. Less than 15 minutes. Yeah. Okay, thank you. 10 minutes. Okay. यार अभी 15 मिनट दूर है और बारिश होने वाली जोर की। बहुत दूर है यार, दिमाग खराब हो गया और डर भी बहुत लग रहा है क्योंकि अंधेरा हो रहा है और जंगल में अकेला हूँ पूरा, और ये एंडलेस रास्ता है, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है। वो आ रहे नाइन ब्रिज, तुझे देखने के लिए इतना तड़पना पड़ रहा है। ये देख लो नजारा यार, कुछ ऐसा है, कुछ नहीं है इस तरफ। इज इट नियर? Is it near? Yes. Very near now. Yeah. Okay. भैया हालत खराब हो गई आते आते, ऊपर से साला डर इतना लग रहा है, बिजली चमक रही है भाई, कोहरा पूरा। तो ये तो सबसे ज़्यादा बैड लक है कि मैं जैसे ही यहाँ पहुँचा वैसे ही यहाँ पर रेन स्टार्ट हो गया, और मेरे सामने है नाइनाश ब्रिज जो कि है ये। तो आज तो ट्रेन नहीं आएगी क्योंकि स्ट्राइक हुआ रखा है, बस यहाँ से एक व्यू पॉइंट है, इसको देख लेना है, बस तो चलना है वापस, लेकिन हो रही है जोर की बारिश। और यहाँ पर हो गई बारिश जोर से स्टार्ट और फंस गए, बस एक यही किसी का सहारा है, नहीं तो आज तो भीग गया पूरा। वहाँ कुछ लोग आ रहे हैं। सो वेयर डिड यू गो टू इंडिया? केरला। ओके एलपी। ओके सो हाउ डू यू फाइंड इट? व्हिच वाज मोर ब्यूटीफुल, श्रीलंका और केरला? Looking at this weather now, I'd say Kerala. The high water cruise is yeah. And Kerala is known as the God's own country. Yeah. So how long are you going to stay in Sri Lanka? Altogether, we'll be there like 12 days, but before you then half hours. Are you studying or what are you doing? I'm studying. You are studying what? Yeah. Nutrition. Nutrition. Oh, nutrition. Okay. Yes. And what do you mean? Yoga. Oh, okay. And I am a medical student. Doing a degree. Doctor. I'm from north of India. You went to south of India. Next time. Yeah. Okay. तो भाई हालत ख़राब हो गई, यहाँ पर रास्ते में आते हुए लीच इतने सारे लीच थे कि सबके पैरों से खून निकल रहा है ये। सो यू वांट टू से समथिंग टू द ऑडियंस? Be careful of the leeches when it rains, or maybe, yeah, when it rains during the water. I don't know. I read something on a blog, so I don't know whose blog, but I, so otherwise we wouldn't have, they could have been sucking for ages. Okay. So just take some spray or something. Something precautionary would be good. Antiseptic is good. Antiseptic cloth. Very, very deep. पूरा दिमाग खराब हो गया क्योंकि जो लीच था वो मेरे पैरों की उंगलियों के बीच में था और उसके बाद इतना ब्लीडिंग हुआ है। खैर जो भी है, दिमाग तो खराब हो चुका है, लेकिन कोई नहीं, अभी यहाँ एक बेकरी शॉप है, मैं यहाँ घूमने आ गया। वैसे यहाँ पर कई सारे रेस्टोरेंट हैं, अल्लाह अच्छी जगह है, मतलब
एक अच्छा हिल स्टेशन है जहाँ पर एक रेस्टोरेंट में आके बैठ गया हूँ, एकदम सिंपल सा है ये रेस्टोरेंट, लेकिन आके बैठ गया हूँ, अच्छा है। तो यहाँ लोकल कुछ फूड ट्राई कर रहा हूँ। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिश? एग रोल। एग रोल, ओके। एंड व्हाट आर यू मेकिंग? ओफस। ओफस, ओके ओके, थैंक यू। ये वेज रोटी है, ये अंदर कुछ स्टफिंग है इसके, और इसको ग्रेवी के साथ खा सकते हैं। तो बस यहाँ खाना पीना हो गया, अब निकल रहे हैं, जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ। और आज के दिन भी मैं यहीं ख़त्म करता हूँ भाई। वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। बाय बाय। फ़िलहाल मैं अपने हॉस्टल में पहुँच गया हूँ, और मैं दो ट्रैवलर्स के साथ था जो कि ऑस्ट्रेलिया से थे, और उनकी हेल्प की मैंने। तो जब उनकी हेल्प की तो उन्होंने मुझे ड्रिंक ऑफ़र किया, मैंने भी ले लिया और जा रहे थे तो उन्होंने ड्रॉप भी कर दिया क्योंकि उनका हॉस्टल रास्ते में ही पड़ता है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस सही था, बस ये बहुत बुरा लग रहा है कि साले खूब सारे काटे हैं वो जोक, दिमाग ख़राब हुआ है। तो भाई आगे से आओ तो या तो वो स्प्रे होते हैं ना, वो सब लगा के आओ, बट मुझे नहीं लगता उससे भी कुछ फ़ायदा होगा क्योंकि वो चिपक ही जा रहे हैं, बहुत डरावना था वो। खैर आज सिर्फ दो ही पॉइंट कवर कर पाए, एक 9 आवर्स ब्रिज जहाँ पर बारिश ही हो गई, कोई मतलब नहीं हुआ, और एक रावन फॉल। तो एला में ये दो चीज़ें और दो पॉइंट और बाकी है, जो कि है लिटिल सैडम पीक एंड एला रॉक है, वहाँ से आप व्यू देख सकते हो जाके, 2 घंटे की ट्रैकिंग है वो। तो बस यही है, तो अब आज तो खैर मिस हो गया हमसे, तो अब देखते हैं कल क्या होता है। कल वैसे मुझे जाना है मेरी साथ, तब तक लिए बताए। आज की तारीख है 5 अक्टूबर 2019, और आज हम लोग जा रहे हैं मेरिसा। तो उससे पहले जिस हॉस्टल में हूँ वहाँ पर ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ा खा पी के फिर चलते हैं। तो हॉस्टल तो अच्छा है, काफ़ी नया बना हुआ लग रहा है, मैं बंक बेड्स भी दिखा देता हूँ आपको, पहले ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा बढ़िया सा नाश्ता, इधर ये है हाफ फ्राई टोस्ट, बनाना, वाटरमेलन, और इधर कुछ ये चीज़ें। You got the banana? What? Banana. You want to feed him banana? Banana, yeah. Yeah, okay, you can. Yeah, this one. No, you can, I won't eat, you can take. Yeah, okay. Yeah, okay, you can feed him banana, yeah. और ये मेरे हॉस्टल के अंदर से कुछ ऐसा सीन है कि यहाँ पर 4 बंक बेड्स हैं, तो 8 टोटल बेड्स हैं, और ये नीचे वाला मेरा बेड और वो दोनों मेरे बैक, ये तो बस अभी निकल रहा हूँ। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लो यार चैनल सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी दबा ही दीजिए क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि कुछ मिस हो जाए आपसे, क्योंकि आगे भी बहुत सारी जगह जाना है मुझे श्रीलंका में। और अगर कोई क्वेश्चन हो किसी को तो वो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो या फिर नीचे कमेंट पे भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिटिल एडम्स पीक 500 मीटर। तो जिस हॉस्टल में रुका था उसके जस्ट बगल ही है लिटिल सैडम पीक, बट इसमें आधे घंटे 1 घंटे की ट्रैकिंग है, तो मैं नहीं जा रहा क्योंकि मुझे जाना है मेरिसा। बट ये है कि आप लोग जब आएँ तो जा सकते हैं, ये भी एक पॉइंट है इधर। इधर 3 पॉइंट है, रामना फॉल, 9 आर्च ब्रिज जो कि मैंने कवर कर लिया, एक लिटिल सैडम पीक है, और एक और है एला रॉक। तो 3 मेन है, एक एला रॉक भी लोग जाते हैं, और नीचे पूरा टी गार्डन है, और यहाँ जिप लाइन भी है। खैर अब चलते हैं बस की ओर, बस पकड़नी है मुझे मेरे साथ के लिए।